टेस्ट क्रिकेट से उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, उनकी गेम में निखार आता है और उनको ये फॉर्मेट पसंद है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब तक कि आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा जो कि टेस्ट क्रिकेट प्रोवाइड करती है, आप बाकी फॉर्मेट्स में भी कुछ जादूगरी नहीं दिखा सकेंगे। और जसप्रीत बुमराह की एग्जांपल सबके सामने है कि टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने बेस बनाया है और आपने देख ही लिया है कि वो T20 और 50 ओवर्स में किस तरह के कारनामे अंजाम देते हैं। काश ये बात समझ में आ जाती मोहम्मद आमिर के, जो कि 27 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, या वहाब रियाज के, जो कि लेटेस्ट कैजुअल्टी है, उन्होंने भी जो है अपना रुख मोड़ लिया टेस्ट क्रिकेट से। बात यह है कि इंडिया बहुत शानदार टेस्ट मैच जीता है और उन्होंने इनसाइड टू डेज एक मुश्किल पिच के ऊपर आई थिंक दे बोल्ड ब्रिलियंटली एंड दे बैटेड मच बेटर देन द ऑपोजिशन और इसीलिए वो मैच जीते हैं। और आई थिंक बॉलिंग बड़ी प्रिसीजन वाली थी, बड़ी अच्छी लाइन ऑफ लेंथ थी और साउथ अफ्रीकन्स जो है दे वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट गुड सीम बॉलिंग। आज बुमराह ने 6 आउट किए पहली इनिंग्स में, जो है वो सिराज ने 6 विकेट्स लिए और आई थिंक के साथ उनके जो कुमार हैं नए फास्ट बॉलर, उन्होंने भी अर्ली जो विकेट्स ली थी उससे भी बड़ा फर्क पड़ा। ओ भैया, आज के मैच के अंदर हैरान था कि ये जसप्रीत बुमराह करना क्या चाह रहा है। पहली इनिंग्स के अंदर आई गेस मोहम्मद सिराज ने सिक्सर मारा, लेकिन आज के सीरीज के मैच के अंदर जो आज इंडिया ने अपना नाम किया है, ना ही के किसी को जीता है ना जीतने दी है। पहली इनिंग्स में देखें सिराज 6 विकेट्स और दूसरी इनिंग में देखें तो बुमराह ने 6 विकेट्स ले लिया। मतलब इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी अंडर रोहित शर्मा की कैप्टनसी और 28 साल के बाद एक जगह जहाँ पे आपका रिकॉर्ड नहीं बन पा रहा, आप नहीं जीत पा रहे, उस कंट्री की कंडीशन में जाकर ले उस कंट्री की कंडीशन में रोहित शर्मा ने जितवा दिया मैच सीरीज, उनके लिए जीत ही है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ही भारत ने हरा कर सीरीज को लेवल कर दिया। किसी ने भी भारत से ये उम्मीद नहीं की थी पहली मैच देखकर कि भारत साउथ अफ्रीका को केप टाउन में न्यूलैंड्स के ग्राउंड पर हरा देगा, पर भारत ने इस तरीके से सेकेंड टेस्ट मैच में परफॉर्म किया है। इसका ज्यादातर शेयर विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को जाता है, क्योंकि विराट कोहली ने क्रूशियल सिचुएशन में आकर थोड़े रन्स बनाए और सिराज ने पहले इनिंग्स में 6 विकेट निकाले और उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने सेकेंड इनिंग्स में 6 विकेट निकाले और इन तीनों के कारण ही भारत केप टाउन में मैच जीत सका। पर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स खुद के प्लेयरों को कोस रहे, जहां पर बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो कि टेस्ट मैच ना खेलकर व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं और इसलिए रमेश राजा ने कहा कि जब तक उनको टेस्ट मैच में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी वो कितना भी व्हाइट बॉल क्रिकेट खेले वो एक लेजेंड नहीं कहलाएंगे। वहीं पर वसीम अकरम ने भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर के अप्रोच के ऊपर सवाल उठाया, क्योंकि उनका अप्रोच तो ऐसा है कि 4 ओवर डालो और जाकर बैठ जाओ, किसको भी लंबे ओवर्स नहीं डालने हैं, जैसे कि जसप्रीत बुमराह ODI T20 और टेस्ट मैच खेलते, पर उनका अप्रोच हर एक फॉर्मेट के लिए अलग होता है। और सलमान बट ने तो इंडियन बॉलिंग की मेथड्स ही अपनाने की सिफारिश पाकिस्तान के बॉलरों को कर दी, क्योंकि इंडियन बॉलर्स हर एक सिचुएशन हर एक फॉर्मेट के लिए अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं और वो तैयार भी रहते हैं। पर पाकिस्तान में है कि हर एक जन हर एक फॉर्मेट खेलता है और एक ही तरीके से, जिसमें हारिस राऊ एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उनको टेस्ट मैच नहीं खेलना है पर उन्होंने BBL खेलना मुनासिब समझा और इसलिए अब भारत के जैसे अप्रोच पाकिस्तान को भी अपनाना चाहिए, ये पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर कह रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे, धन्यवाद। टेस्ट क्रिकेट से उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, उनकी गेम में निखार आता है और उनको ये फॉर्मेट पसंद है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब तक कि आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा जो कि टेस्ट क्रिकेट प्रोवाइड करती है, आप बाकी फॉर्मेट्स में भी कुछ जादूगरी नहीं दिखा सकेंगे। और जसप्रीत बुमराह की एग्जांपल सबके सामने है कि टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने बेस बनाया है और आपने देख ही लिया है कि वो T20 और 50 ओवर्स में किस तरह के कारनामे अंजाम देते हैं। काश ये बात समझ में आ जाती मोहम्मद आमिर के, जो कि 27 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, या वहाब रियाज के, जो कि लेटेस्ट कैजुअल्टी है, उन्होंने भी जो है अपना रुख मोड़ लिया टेस्ट क्रिकेट से। बात समझने की यह है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे,
तो फिर आप सुपरस्टार नहीं बन सकते, ना आप अपना नाम बना सकते हैं। और बहुत सारे यंगस्टर्स को आजकल ये गलत फहमी है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले बगैर जो है हर फॉर्मेट में चैंपियन बन सकते हैं, जो कि नामुमकिन सी बात है क्योंकि बेस स्ट्रांग नहीं है, तो आप चैंपियन कैसे बनेंगे। दूसरा, आपका जो नाम है वो बड़ा ही उसका जिक्र होगा, जिक्र खैर तो हो सकता है क्योंकि आपने अपनी टीम को शायद मैच जिता दिया, मगर कभी भी आपको उस तरह की रेटिंग नहीं मिलेगी वर्ल्ड लेवल के ऊपर जैसे कि एक टेस्ट प्लेयर को मिलती है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से। सो ये भी एक बात जो है बार बार समझाने की जरूरत है यंगस्टर्स को जो सर्किट में है कि अगर आपने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली तो आप बाकी फॉर्मेट्स में जो है कुछ खास परफॉर्मेंस दे नहीं सकेंगे और आपका नाम जो है वो सुनहरी हरूफ से कभी भी नहीं लिखा जाएगा। आज बुमराह ने 6 आउट किए पहली इनिंग्स में, जो है वो सिराज ने 6 विकेट्स लिए और आई थिंक के साथ उनके जो कुमार है नए फास्ट बॉलर, उन्होंने भी अर्ली जो विकेट्स ली थी उससे भी बड़ा फर्क पड़ा, बिकॉज कल पार्टनरशिप ऐसा लग रहा था कि पार्टनरशिप लगेगी और डीन एल्गर को और जॉर्जी दोनों को उन्होंने आउट किया, जो कि भी रिसेंटली वन डेज में अच्छी फॉर्म में नजर आए और एल्गर जो थे वो जाहिर है उसने तो पिछला मैच में बड़ी आउटस्टैंडिंग नॉक खेली थी, तो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी क्रूशल विकेट थी। लेकिन उसके बाद फिर बुमराह ने जो किया है वो तो एक क्लीन अप जॉब ही था, उन्होंने सफाई फेर दिया सारी बैटिंग का। सो मार्करम के अलावा तो सिर्फ 3 लोग डबल फिगर्स में गए हैं और आई थिंक मार्करम की इनिंग बहुत अच्छी थी, मार्करम पॉजिटिव खेल रहा था, ऑल्दो के बॉल कुछ हो रहे थे अनप्लेबल जो है ना बॉलिंग हो रही थी, पिच में एक्स्ट्रा बाउंस था और मूवमेंट भी थी, लेकिन ही कैप्ट गोइंग और शायद उसका पिछले कुछ इनिंग्स में स्कोर ना करना जो है ना उसने उसका माइंड सेट बना दिया था कि पॉजिटिव ही खेलना है। सो आई थिंक ही वेंट थ्रू विद हिज शॉट्स और उसकी लगी हुई प्लेड गुड क्रिकेट, बट इट वॉज नॉट गुड इनफ कि वो इंडिया को चैलेंज कर सके। आई थिंक इंडिया की बॉलिंग वाज मास्टर क्लास, स्पेशली सिराज और बुमराह, ऑल 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, चाहे वो पहले फील्डिंग करें चाहे वो पहले बैटिंग करें, कंप्लीट कंट्रोल तीनों यू नो शोबों में। और आज की परफॉर्मेंस के क्या कहने, How good was Bumrah and उसी ओवर में वो जो कैच गया स्लिप में कोहली भाई के पांव के पास, बिल्कुल जब आप थोड़े वाइड खड़े होते हो फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप, तो इसलिए मुझे एज अ बॉलर आई नेवर लाइक द गैप, आई ऑलवेज वांटेड कि स्लिप में खड़ी हो चाहे स्लिप हो के उधर से निकल जाए, दरमियान से ना निकले। सो ये गैप ज्यादा था, तो गैप ज्यादा उसी में जैसे उसे भी बात कर रहे, जब कह रहा था कि बुमराह ऊपर से अगर 4 या 5 ओवर कर रहे थे तो उनकी इकोनॉमी 2.5 इससे ज्यादा नहीं थी और ही वाज और बाउंड्री लग ही नहीं रही थी उनको इसमें, पहले ही इंडिया ने वो सिस्टम ही खत्म कर दिया कि टेस्ट मैच 5 दिन में खत्म हो। यार 2 से 3 दिन के अंदर टेस्ट मैच कौन खत्म करता है? आप इंग्लैंड देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, न्यूजीलैंड देख लें, बेसबॉल क्रिकेट वहाँ पे चलती है, कहते तेज खेलो फिर भी 5 दिन का गेम चला जाता है, पर इंडिया ने कहा नहीं भाई हमारे पास ऐसे बॉलर्स हैं जो कि 55 भी आउट कर सकते हैं। मैं तो भैया आज के मैच के अंदर हैरान था कि ये जसप्रीत बुमराह करना क्या चाह रहा है। पहली इनिंग्स के अंदर आई गेस मोहम्मद सिराज ने सिक्सर मारा, लेकिन आज के सीरीज के मैच के अंदर जो आज इंडिया ने अपना नाम किया है, ना ही के किसी को जीता है ना जीतने दी है। पहली इनिंग्स में देखें सिराज 6 विकेट्स और दूसरी इनिंग में देखें तो बुमराह ने 6 विकेट्स ले लिया, मतलब इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी अंडर रोहित शर्मा की कैप्टनसी और 28 साल के बाद एक जगह जहाँ पे आपका रिकॉर्ड नहीं बन पा रहा, आप नहीं जीत पा रहे उस कंट्री की कंडीशन में जाकर, उस कंट्री की कंडीशन में रोहित शर्मा ने जितवा दिया मैच सीरीज, उनके लिए जीत ही है। मैं कहता हूँ जिस तरीके से इंडिया ने साउथ अफ्रीका का हाल कर दिया ना, इंडियन बॉलर तो साउथ अफ्रीका के ख्वाब में आएंगे, वो कहेंगे यार ये क्या हमें शामी, और ये शुक्र मनाए कि शामी नहीं खेल रहा था। जस्ट इमेजिन शामी, सिराज और बुमराह एक ही टीम से खेल रहे हो, क्या हाल करेंगे ये इन लोगों का। ये तो लाइक कहते हैं ना घर घुस के हराना, इसे कहते हैं घर घुस के हराना। देखें वर्ल्ड कप के अंदर 10 मैचेस लगातार जीते, उसके बाद जो सीरीज थी T20 सीरीज ड्रॉ हो गई, ODI सीरीज उन्होंने अपने नाम के लिए टेस्ट सीरीज ड्रॉ कर ली, तो आगे जो उनकी सीरीज आने वाली अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान अपनी खैर मनाए क्योंकि इंडिया तो भाई बहुत तपी फॉर्म है इस टाइम, इंडिया किसी को भी नहीं छोड़ रहा चाहे वो सामने साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जो भी है।